मार्केट खुल रहा है, जरा उस पर नोटिस कर लेते हैं। पहला टिक तो लाल निशान का आया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके हरे निशान भी आ रहा है। बैंक निफ्टी करीब करीब आपको दिखेगा 2553 पॉइंट ऊपर आ चुका है, और इसके अलावा 2 से 6 पॉइंट की तेज़ी आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको दिखेगी। थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम कीजिएगा, आराम से काम कीजिए, कोई भी जल्दबाजी अभी ना उठाइए मार्केट के अंदर। और अगर आप संभल कर ट्रेड करेंगे तो शायद फिर कहीं ना कहीं मौका आपको इसके अंदर बनता हुआ दिखेगा। आप आइए जरा फटाफट से पहले वो 5-6 शेयर्स दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। अगर आप पोजीशनिंग के हिसाब से इस समय देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज 12 रुपए की शुरुआती तेज़ी आई है। स्पीड से फायर करते जाइएगा प्रोड्यूसर साहब। HDFC बैंक के अंदर भी आज हमको ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। TCS, इन्फोसिस जैसे शेयर्स भी आपकी लिस्ट में होने चाहिए, आप इसको भी आज जरा देख के रखिएगा। दूसरा L&T कल काफ़ी तेज़ टूटा था, आज शुरुआत हल्की हरे निशान में इसकी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा गेन नहीं है। 4% टूटने के बाद 0.5% अभी ऊपर है। तो शुरुआती जो एक कश्मकश है मार्केट के अंदर, वो क्लियरली विजिबल है बाज़ार के अंदर, वो आपको दिख रही है। हरा निशान, लाल निशान छोटे छोटे कट्स के साथ आपको दिख रहा होगा। इंडिया विक्स में जो टिक्स आ रहे हैं वो बहुत एक्साइटिंग नहीं है, 0.40% का ही सिर्फ चेंजेस है, यानी कि 13.25 के आसपास है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसे बता देता हूँ कि कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय टॉप गेनर्स के रूप में सामने निकल के आ रहे हैं, एक बार जरा आप उनको भी नोटिस कर लीजिएगा। ONGC है सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स में से। L&T जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा बहुत छोटी सी बढ़त के साथ है। दूसरा टाटा मोटर्स, मारुति जैसे दो ऑटो के शेयर्स भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, आप उसको भी देखिएगा। और JSW स्टील भी है। कमज़ोर शेयर की कैटेगरी में आज फिर से BPCL टूटा, शुरुआत में 1 से 1.5%, $77 का क्रूड हो चुका है, लेकिन 80-82 तक कोई चिंता की खास बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये कई बार फौरी तौर पर आ जाता है, बाद में रिलीज़ भी होगा। टाइटन, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे 0.5 से 0.25% तक की गिरावट है शुरुआत में। इसके अलावा आज BSE का शेयर फिर से चला, और अभी विशाली में हमने आपको सुबह ट्रेड भी दिया था BSE का एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर, 2% आई ऊपर है। ऑयल का एक शेयर है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी है, 1.5% ऊपर है ये। अडानी ग्रीन्स, नौकरी जैसे शेयर्स भी आज आपको ऊपर दिखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में आज थोड़ा लीडरशिप दिखा रहा है, 1% के ऊपर। बैंक निफ्टी देखते देखते थोड़ा वापस से 136 पॉइंट नीचे चला गया, और देखते देखते निफ्टी के अंदर भी करीब करीब 80 पॉइंट का नुकसान वापस आ चुका है, और 4% का विक्स ऊपर है। जो शुरुआती बढ़त चाहिए थी वो अभी एब्सेंट है। बाजार ने हरा निशान दिखाया ज़रूर कुछ एक मिनट सेकंड्स के लिए, लेकिन वापस ड्रैग करके लेके गया नीचे, और 51,800 के भी लेवल को भी हमने मोटे तौर पर ब्रेक कर दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, और 25,180 के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टोरली मूव कहाँ कहाँ पर आ रहा है एक बार जरा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जरा दिखाइएगा। रियल एस्टेट के काउंटर आज भी थोड़ा वीक हैं, आज आपको शुरुआत में थोड़ा कैपिटल गुड्स के शेयर्स भी कमज़ोर दिखेंगे। स्क्रीन पर फटाफट से सेक्टोरल चर्निंग दिखाइए। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिखेगी, वजह मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप इंडेक्स देख रहे हैं ये 50 और 12 शेयरों के कैलकुलेशंस हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इसके अलावा जो ओवरऑल मार्केट्स चेक कर रहे हैं तो उसमें एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको शुरुआत में ख़राब नहीं है, ये चीज़ नोटिस करने वाली है। अगर आप वैसे देख रहे हैं सेक्टोरली तो शायद एक बार आपको ऑटोस पे भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आज वॉलिटिलिटी थोड़ी चरम पे रह सकती है, और आपको शुरुआती शेयर्स भी मैंने आपको दिखाए थे, नोटिस भी कराए थे। IT का इंडेक्स भी शुरुआत में कमज़ोर नहीं है, भले ही 0.5% ऊपर है, लेकिन IT के दिग्गज के साथ शुरुआत कीजिएगा सेक्टोरली जो IT के अंदर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फटाफट से हीट मैप के जरिए वो सारे सेक्टर्स दिखाते हैं, उससे जुड़े हुए शेयर्स आते हैं। अब इस विंडो से निकल के हीट मैप की तरफ बढ़िए, आपको दिखेगा पहले निफ्टी के जो टॉप गेनर्स दिख रहे हैं उसमें आप देखेंगे इकलौता शेयर IT का आपको दिखेगा और ऑयल एंड गैस का दिखेगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपको सेक्टोरली बता भी रहे थे रोहित जी कि ऑयल एंड गैस पे और मेटल्स पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेक्टर्स अभी भी काफ़ी ठीक है। बैंकिंग में इंडसन को देख के अच्छा लग रहा है, एक्सेस को देख के अच्छा लग रहा है, इन दोनों का हरा निशान है, लेकिन अभी भी HDFC और ICICI का कॉन्ट्रीब्यूशन आना बाकी है। जब तक ये दोनों दिग्गज नहीं आते, मोर देन 50% वेटेज लाल निशान में खड़ी है, तो दिक्कत बनी रहेगी। स्पीड से सेक्टर फायर करते जाइएगा, IT, फार्मा, ऑटो सबके सब दिखाते जाइए, मेटल्स भी दिखाइए ताकि आइडिया लग पाए कि इस समय की सिचुएशन क्या है। IT इंडेक्स अगर आप देख पा रहे हैं तो TCS आज थोड़ी लीडरशिप दिखाने के मूड में है, 0.5% ऊपर है। अभी इन्फोसिस फ्लैट होने की कर रहा है कोशिश, ये आज ज़्यादातर शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे। दूसरा है मेटल्स, मेटल्स के अंदर अभी थोड़ा दबाव है,
ज़्यादातर शेयर आपको लाल निशान में, सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय नालको हिंदुस्तान कॉपर में और दो चार शेयर तो एफ एंड बैन में भी हैं। टोटल छः शेयरों में से एक दो शेयर मेटल्स के भी हैं। ऑटो में M&M में सबसे कम गिरावट है, अशोक लेंड में सबसे ज़्यादा। आप पूरा हीट मैप के जरिए देख पा रहे होंगे कि इस समय मेटल्स की स्थिति क्या है। शुरुआती 90 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी पे दिख रही है। ये FMCG है, FMCG का वैसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पूरी तरह से कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर। सिलेक्टिव होके बट काम करना इसके अंदर, थोड़े चले हुए शेयर्स के अंदर रुकना, ITC जैसे शेयर्स का साथ नहीं छोड़ना भी। और ये मिड कैप में ऑयल इंडिया, जैसे मैं आपको शुरुआत में कहा, ONGC और ऑयल इंडिया दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि क्रूड के बढ़ने के बेनिफिशियरी होते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। स्मॉल कैप के भी कुछ एक शेयर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जल्दी से मेहमानों को कनेक्ट करेंगे आज और फटाफट से ट्रेड लेंगे, एक दो नहीं बल्कि आज तो पांच मेहमान हमारे साथ हैं, ताकि ट्रेड हम जल्दी जल्दी लें उनसे, इसलिए अपने सहयोगियों के पास पहुंच रहा हूं। तो बाजार में लगातार पांचवें सत्र में कमजोरी है, लेकिन आज अच्छी चीज यह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो उतना खराब नहीं है। करीब 900 शेयर हैं तेजी वाले और उसके मुकाबले 1300-1350 शेयर आज गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो फटाफट आपके लिए ट्रेड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे अक्षय जी आपसे। बताइए क्या ट्रेड करें, कहाँ पर मौके आपके हिसाब से बन रहे बाजार में अभी? जी स्टार्टिंग में थोड़ा चौपी है, पर IT मेरे हिसाब से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप बाइंग की तरफ ट्रेड्स ढूंढ रहे हो तो टेक महिंद्रा बाय करना पसंद करूंगा। 1609 करंट मार्केट प्राइस है, 1580 का स्टॉप लॉस और 1660 टारगेट एरिया बनेगा टेक महिंद्रा का स्टॉप लॉस 1660 के टारगेट टेक महिंद्रा के लिए। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रही है IT में। TCS आपको ऊपर देखिएगा, SCL टेक, विप्रो, ये तमाम शेयर आज निफ्टी को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। शिवांगी सारदा हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल से। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपने क्या स्पॉट किया है, कहां पर मौके खोजे? जी बिल्कुल, ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी रहेगा पेट्रोनेट। हमने देखा है कि कल के सेशन में भी एक बढ़िया सी प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिली है। एक वीकली बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हुआ है और एक क्विक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे एड अप करेगा स्टॉक को। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 380 के टारगेट्स के लिए और 360 के एक स्टॉप के साथ। 360 का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का आपके लिए टारगेट। पेट्रोनेट LNG के शेयर में कल भी हमने देखा था कि काफी शानदार चाल दिखी थी, आज उसको कंटिन्यू करने के मूड में है। तो दो तेजी के ही शेयर आपके लिए निकल के आए हैं। देखिए बाजार नरम जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं स्थिरता के संकेत दे रहा है, मतलब जो शुरुआत हुई है वहां से नहीं गिर रहा है। 25,175 के आसपास का आपको निफ्टी दिखेगा, लेकिन कंजम्पशन वाले जो शेयर है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है और कंजम्पशन के साथ साथ जो कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनीज है ना वहां पर भी दबाव है। बजाज फाइनेंस करीब 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हीरो मोटो, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, सीमेंट में अल्ट्राटेक, ये हम देखने की कमजोरी के साथ थोड़े कारोबार कर रहे हैं। रोहित सर आप जरा ये बताइए कि कहीं आपको स्टेबिलिटी या फिर रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, कोई वो पॉकेट्स आप आइडेंटिफाई कराना चाहेंगे बाजार में? मैंने पहले भी बताया कि आसान काम ये होगा ऑयल एंड गैस सेक्टर, जहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ आप देख रहे हो वो शायद ऊपर की तरफ निकल सके। मेटल सेक्टर को मैं डिक्लाइंस में लूंगा, क्योंकि मेटल सेक्टर ने पिछले 3-4 दिन जब बाजार गिर भी रहा था तो वो बढ़ रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि एक आध दिन और उनमें करेक्शन आए और उसके बाद ही हम लोग लेने की चेष्टा करेंगे मेटल स्टॉक्स पे। तो शायद ऑयल एंड गैस में हम लोग इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। तो मेटल अब गिरावट पर लेंगे और गिरावट थोड़ी सी हम आज देख भी रहे हैं, इंडेक्स के लेवल पर करीब 1% के आसपास की कमजोरी है और कुछ कुछ शेयर्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस पर भरोसा है रोहित जी को। आप जरा अक्षय बताइए ONGC आज 1.5% के आसपास की मजबूती और आगे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के ऊपर निकल गया है, मतलब कच्चे तेल का बढ़ना यानी कि जो भी अपस्ट्रीम कंपनीज है उनको फायदा होता है। आप ये बताइए कि ONGC क्या ट्रेड कर लें इस लेवल पर भी? जी देखिए ONGC का जो मीडियम टर्म सेटअप है थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने 310-315 का एक सपोर्ट जोन ब्रेक करा था, उसके बाद एक सपोर्ट बेस बनाने की खोज में है। 285 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है, पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं बन पा रहा है कि ये सपोर्ट पक्का बन चुका है कि नहीं, तो मैं कंडीशनल बाय बनाना पसंद करूंगा। अगर स्टॉक 302 के ऊपर ट्रेड करेगा या सस्टेन करेगा तभी आप अपना बाइंग पोजीशन बनाएं, ब्रेक करते ही आपको 320-325 के टारगेट बनेंगे, तो कंडीशनल बाय फिलहाल वेट एंड वॉच वाली अप्रोच बनेगी ONGC में।
ठीक है, तो ओएनजीसी को लेकर ये राय, पर इस बीच कई सारे ऑटो काउंटर्स भी पिटते हुए नजर आए हैं और हाल फिलहाल वो स्टॉक्स जिन्होंने एक ब्रेकआउट भी दिखाया था। रोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे एनालाइज कर रहे हैं हम खासतौर से टू व्हीलर काउंटर्स को, क्योंकि देखिए हीरो मोटोकॉर्प कुछ दिनों पहले एक अच्छा मूव था, पूरा फिजल आउट हो रहा है, वहीं बजाज ऑटो, आयशा मोटर्स, इन सभी में बिकवाली है। क्या यहाँ पे कोई और स्टॉक आपको लगता है जो कि थोड़ा सा और वीक हो सकता है? क्या करना चाहिए टू व्हीलर स्टॉक्स में? नहीं, तो ये एक जनरल मार्केट करेक्शन है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट के दरों के हिसाब से सोचे कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उनमें तेजी आनी चाहिए, कुछ हद तक हमने देखी भी, ऑटोज है, रियल्टी है, ये सब स्टॉक्स इंप्रूव हो रहे थे, बट ओवरऑल जो मार्केट में अब करेक्शन आ रहा है इसमें सब सेक्टर्स ज्यादातर पिट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा संभालना जरूरी है। ये ना सोचे कि ये लेवल सही है या वो लेवल सही है, पहले बाजार संभल जाए तब जाके वापस हम लोग निवेश करने का सोचेंगे, क्योंकि आज अगर मैं देखूं निफ्टी के अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स हैं इनमें काफी सेलिंग देखी जा रही है, और ये जो ब्रॉड मार्केट है इसका भी संभलना जरूरी है, तो अभी तक वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो पहले संभले, मार्केट्स को संभलने दे और उसके बाद ट्रेड ढूंढे पॉजिटिव साइड की तरफ, पर जिस तरीके से गिरावट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग फिलहाल नहीं है। पर इस बीच अगर मैं कुछ फार्मा काउंटर्स में देखूं तो कल भी सन फार्मा में एक अच्छी तेज़ी थी, आज भी थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे कैसे दिख रहा है सन फार्मा आपको चार्ट्स पे? हल्के हरे निशान में है, पर क्या यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है? जी सृष्टि, अप ट्रेंड में है सन फार्मा और यहाँ पे बस गए 3 दिन में थोड़ा सा मोमेंटम ऑफ हुआ है, पर ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको खरीदारी के मौके दे रहा है, क्योंकि ऐसे चौपी बाजार में फार्मा, FMCG यही सब डिफेंसिव बेट्स होल्ड कर जाएगा, तो सन फार्मा में अगर आपको बाय पोजीशन बनानी है बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मोमेंटम पिकअप या ब्रेकआउट वाला काउंटर है नहीं, धीमी गति से चलेगा, पर कहीं ना कहीं 1850-1860 एक सपोर्ट बेस बन चुका है स्टॉक में, और ओवरऑल सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक शायद 2000 की तरफ जाएगा या ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो बने रहिए या बाय कीजिए, स्टॉप लॉस बिलो 1850, टारगेट एरिया करीबन 2000 का बनेगा। ठीक है, तो 2000 के टारगेट्स और 1850 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सन फार्मा पर। इस